सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो उसको सीखने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि उसमें क्या एक्सेसरीज हैं, कैसा मेथड है, और उसके लिए हिंट है ये स्लाइड. ये स्लाइड में मैंने लिखा है, इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग इंडिकेट्स द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव फेज मतलब उसकी जुवेनाइल फेज थी किसकी, प्लांट की. तो जैसे ही फ्लावर आने लगे तो समझ जाओ कि यस, अब वेजिटेटिव फेज खत्म हो चुकी है, मतलब प्लांट इज नाउ एबल टू रिप्रोड्यूस. नाउ बिगिनिंग, दिस इज एक्चुअली इज अ फ्लावरिंग इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज एंड एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज. अब ये जो फ्लावर है इटसेल्फ, इट इज इंडिकेट्स कि फ्लावर से ही हमारा आगे का जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम सीखने वाले हैं उन सब का कनेक्शन किससे है, फ्लावर से. नाउ इन फ्लावर, फ्लावर को बोलते हैं, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. व्हाई इज इट सो, क्योंकि फ्लावर जो है उसमें ही सारे एसेसरीज हैं, मतलब सारे ऑर्गन्स हैं, ओव्यूल और सब कुछ इस किस में पाया जाएगा, फ्लावर में. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट सो स्पेशल इन फ्लावर्स दैट इट कैन डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंट्रीब्यूट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर, फ्लावर को हम देखते कैसे हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ही देख सकते हो ना फ्लावर को. किसी रोज की पेटल भी निकालते तो बाहर से, तो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ स्ट्रक्चर को पढ़ना है, समझना है. आउटसाइड में क्या है, कैलिक्स है. कैलिक्स मतलब ये ग्रीन वाला देख रहे हो, देन कोरोला मतलब ये पेटल्स, एंड्रोशियम गाइनोशियम, दे ऑल आर अरेंज्ड इन द फ्लावर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. नाउ अब इंडिविजुअली पढ़ते हैं. एंड्रोशियम मतलब मेल, मेल ब्रॉल मतलब मेल जो पार्ट है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड एज स्टेमेंस, मतलब ये. नाउ गाइनोशियम फीमेल ब्रॉल, एंड इट मेंबर्स आर कॉल्ड एज कार्पेल्स, मतलब ये वाला जो इधर का, इसके मेंबर्स को क्या बोलेंगे, कार्पेल्स. अगर इतना आपको डीप में नहीं याद होता तो इतना याद रख लो, फ्लावर के चार पार्ट हैं जो डिवाइड हुए थे, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, इतना तो लिख सकते हो. फिर गाइनोशियम इज फीमेल, एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. नाउ लेट्स थोड़ा और इसको सीखते हैं. जो एसेंशियल है, एसेंशियल रोल है, एसेंशियल मतलब जो रिप्रोडक्शन करने वाले कौन होंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बिकॉज दे आर गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. अब ये दोनों बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, पार्ट हैं एक फ्लावर के, तो इनको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए भी चाहिए, और वो प्रोटेक्शन उनको कौन देंगे, एसेसरी रोल, मतलब कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब ये जो पेटल और ये जो कैलिक्स और पेटल, पेटल्स से वो ऐसे टाइम पास के लिए फ्लावर के पास नहीं है, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड पूरे एक फ्लावर का जो पूरा एसेंशियल रोल्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और इसलिए उसको बोलते हैं एसेंशियल रोल. नाउ लेट्स मूव फर्दर. Members of calyx are called as sepals and they are green in color. Yes, they are always green in, basically, usually they are green in color. Members of corolla are called as petals, जिसको आपको सबको पता है. And yes, उनके color various होते हैं. आपने rose का color, बहुत different color के rose भी देखे होंगे. तो now, flower को I found कि ये वाला जो topic है कि sexual reproduction in plants और when it comes to flower, बहुत students confused हो जाते हैं कि कैसे इसको define करना है. So that's why you have to refer this slide. Step by step जाना है. Outside से inside flower को पहले देखो, और इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको already पता है, बस you have to write in a very scientific way, बस. तो अब outside से inside देखो flower को, कैलिक्स दिखेगा, नीचे देखोगे पत्ती का है कैसी, फिर कोरोला उसके पेटल्स देखते हो, और अंदर क्या छुपे बैठे हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. कैलिक्स और कोरोला किसी को छुपा रहे हैं, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, एसेसरी रोल. एंड वेयर एज एसेंशियल किसको बोलते हैं हम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को. एंड्रोशियम मतलब मेल, गाइनोशियम मतलब फीमेल.
इतना तो बहुत इजी है याद रखना. नाउ कमिंग टू कैलिक्स, अगर कैलिक्स का स्ट्रक्चर पता है तो ये ग्रीन कलर का होता है और पेटल अलग अलग कलर के होते हैं हर फ्लावर फ्लावर टू फ्लावर. नाउ आगे बढ़ते हैं. अब इसमें भी थोड़ा सा एक वेरिएशन है. कैसा वेरिएशन है? एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और एक बायसेक्सुअल फ्लावर होता है. फर्क क्या है दोनों में? जब मेल और फीमेल मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर दे आर नोन एज बायसेक्सुअल. और एग्जाम्पल कौन है? हिबिस्कस. और जब कोई एक प्रेजेंट रहे मतलब या तो फीमेल रहेगा या तो मेल रहेगी, फीमेल या तो मेल, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल. और एग्जाम्पल क्या है? पपाया. अब ये ऊपर वाला इज अ मेल फ्लावर एंड जो ये डाउन आप देख रहे हो दैट इज अ फीमेल फ्लावर ऑफ पपाया. तो दिस इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. व्हाई? बिकॉज कोई एक ही है, या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या तो गायनोशियम. इन दिस केस बोथ मेल एंड फीमेल मतलब एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं बायसेक्सुअल. एन एग्जाम्पल है हिबिस्कस. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अब फ्लावर को थोड़ा सा फिर से कंटिन्यू करें. ओके, अब कई फ्लावर के पास ये ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिससे आप उसको होल्ड करते हो. रोज को कैसे पकड़ते हो? अगर वो बेस है, वो स्टॉक है उसके पास, तो उसको उस बेस को, उस स्टॉक को बोलते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, पेडिसिल. और जिसके पास है वो पेडिसिलेट हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ससाइल. ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी बॉटनिकल है. एक्चुअली ये बॉटनिकल है सब कुछ, तो इसको याद करना है, इसके स्पेलिंग्स को लिखना है, और उसके बाद तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आंसर लिखने के लिए. तो जिसके पास स्टॉक, वो स्टॉक को क्या बोलते हैं? पेडिसिल. और जिसके पास है वो हो गया अमीर मतलब पेडिसिलेट हो गया, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा क्या है? ससाइल. नाउ अब आते हैं घूम फिर के. अभी हमने स्टार्ट जिस पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, गायनोशियम. गायनोशियम क्या है? अब गायनोशियम में यहाँ पे आप देखो एक ओवरी है यहाँ पे, उसके बाद एक होलो ट्यूब दिख रही है दैट इज स्टाइल, और उसके ऊपर है स्टिग्मा. व्हाई आई एम इसको मैं कितना ज़्यादा एम्फोसाइज क्यों कर रही हूँ? बिकॉज यही एक स्ट्रक्चर है जो आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. तो ये जो नीचे है स्ट्रक्चर दैट इज नथिंग बट ओवरी. ये जो हॉलो ट्यूब है स्टाइल है, और उसके ऊपर रखा हुआ है स्टिग्मा. ये ओवरी मतलब ये गायनोशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल. तो यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है. ओवरी सॉरी अ हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी. ये एंड व्हाई इट इज हॉलो, ये भी इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो हम लोग कमिंग स्लाइड में सीखेंगे कि हॉलो ही क्यों है. हॉलो मतलब ऐसा खोखला होना, उसके अंदर कुछ है नहीं, वो हॉलो है. एंड स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल. ओवरी कंटेन्स मैनी ओव्यूल्स. यही वो ओव्यूल हैं जो आगे चलकर जब फ्लावर में रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो यही वो ओव्यूल हैं जो सीड बनेंगे, याद रखना. एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस. वाई मियोसिस? मियोसिस ही क्यों करना है? हैप्लॉइड. या यू आर राइट. नाउ ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड एग सेल एंड टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर. Now, what I suggest all of you, you have to pause, you just pause the video and write all these things. Style hai, hollow tube hai, ovary hai, ovule hai, embryo sac hai. Ye sab ko aapko apni notebook mein, jab main sikha rahi hu, tabhi aap likho. Aur agar aap bahut lazy ho, to do one thing, open your textbook and just underline these words. Kya kya underline karna hai? Ovary, style, stigma, ovules, embryo sac, and then haploid egg cell. एक haploid egg cell है, एक. और एक दो कितने हैं? Two haploid polar nuclei हैं. अब आगे बढ़ें, अगर ये चीज़ें clear हैं तो चलो अब pollination देखते हैं. Pollination क्या है? मैंने क्या बोला था कि anther, basically it is a androecium.
वो क्या देगा? पोलन ग्रेन्स देगा। पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा, स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट थी? गाइनोशियम। किसके ऊपर? स्टाइल, हॉलो ट्यूब के ऊपर। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, एंथर मतलब मेल, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा पे आके उसका चिपकना इज नोन एज पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है। पोलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स आने वाली है। अब कहाँ से आने वाली है? एंथर से। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स ऑल्सो। एबायोटिक मतलब विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक हो गए आपके इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। इंसेक्ट्स क्लास फाइलम इज ऑर्थोपोडा, एंड एग्जाम्पल बटरफ्लाई। नाउ वॉट हैपन्स इन पॉलिनेशन? स्टिग्मा बिकम स्टिकी। भाई जाहिर सी बात है, पोलन आने वाले हैं तो उस फेज में स्टिग्मा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा। क्यों स्टिकी होगा? बिकॉज उसको पोलन को अभी वहां पे एक्सेप्ट करना है। स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग द पोलन पॉलिनेशन। एज सून एज, जैसे ही उस पर स्टिकी, जैसे ही पोलन उस पर आके गिरा, पोलन क्या हो जाएगा? पोलन जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही वो जर्मिनेट होगा, वो क्या फॉर्म करेगा? एक लॉन्ग ट्यूब। जर्मिनेट्स, पोलन जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन ईच अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा, अ लॉन्ग पोलन ट्यूब इट इज गोइंग टू फॉर्म। अब ये पोलन ट्यूब को क्यों फॉर्म कराना है? क्योंकि मेल गैमेट्स को ट्रांसफर अप करना होगा, जिससे टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम दो मेल गैमेट क्यों? क्यों? क्योंकि एक एक्सेल के लिए है बच्चों, और एक जो दो पोलार न्यूक्लिया मैंने बोले थे उसके लिए है। अब ये दो पोलार न्यूक्लिया से क्या होने वाला है वो भी चलिए अभी देखते। जस्ट होल्ड ऑन, लेट थिंक गो टू इन दिस वे ओनली। तो अभी क्या हो गया? पॉलिनेशन हुआ, एंथर ने क्या दे दिया? पोलन दे दिया। पोलन आया, स्टिग्मा पे चिपका। क्यों चिपका? क्योंकि उस टाइम पे स्टिग्मा क्या हो गया था? स्टिकी। जैसे ही चिपका, जर्मिनेशन हुआ, और जर्मिनेशन होते ही एक ट्यूब फॉर्म हुई। ट्यूब इसलिए फॉर्म हुई क्योंकि उस ट्यूब को कहाँ पहुंचाएगा वो पता है? ओवरी में। क्योंकि एक लॉन्ग ट्यूब जानी चाहिए ना वहां पे, ताकि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचे। तो ये जो पोलन ट्यूब है, इट इज गोइंग टू हेल्प दीज मेल गैमेट टू रीच टू फीमेल गैमेट, मतलब एक टाइप का पुल, ब्रिज। नाउ दिस ब्रिज नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि उसमें क्या है? मेल गैमेट है। तो इसलिए वो जो स्टाइल की जो हॉलो ट्यूब थी, उसके अंदर ये पोलन ट्यूब्स फॉर्म हुई। दैट इज बाय, दिस इज द रीजन कि वो हॉलो थी। वो हॉलो थी इसलिए तो उसमें पोलन आए। ऐसा था, ये समझ लीजिए, हॉलो ट्यूब थी, और यस इसमें वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब बन गई, जिसमें कौन ट्रेवल करने वाले हैं अभी? मेल गैमेट्स। और पहुंचेंगे कहाँ पे? ओवरी में। सो दिस इज समथिंग। एंड आगे का चलो फिर पढ़ते हैं। अब आगे क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है? द पोलन ट्यूब गोइंग टू कैरी द मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल ओनली, बिकॉज सी दिस इज द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा स्टिकी हुआ, ये स्टाइल थी, ये ओवरी थी। जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, पहुंचा कहाँ? मेल गैमेट, ओवरी में। ओवरी में क्या हो गए? फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? लेट्स सी। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट, एंड जैसे ही, मतलब जैसे ही वो ओवरी में टच होगा वो पोलन ट्यूब, वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट। बर्स्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसी में मेल गैमेट्स है। तो जब तक बर्स्ट नहीं होगा, फूटेगा नहीं, मेल गैमेट्स रिलीज कैसे होंगे? तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? बर्स्ट हो जाएगा। और जैसे ही बर्स्ट होगा, सो टू मेल गैमेट्स विल बी रिलीज इन द एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक में वो रिलीज हो गए। वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल। दो मेल गैमेट आए थे, याद रखो। और ओवरी में क्या क्या था? एक हैप्लॉइड एग था और दो पोलार न्यूक्लिया आए थे। तो एक मेल गैमेट ने कंबाइन कर लिया फीमेल एग से और बना दिया एक जाइगोट।
दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. मतलब फर्टिलाइजेशन यहीं पे खत्म हो गया. बट अब आप ये सोचोगे कि सेकेंड मेल गैमेट का क्या हुआ. यस, तो सेकेंड मेल गैमेट इज गोइंग टू यूनाइट विद द टू पोलार न्यूक्लियाई एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्यों? क्योंकि वहीं पर आगे चल के वो जायगोट के लिए क्या होगा, स्टोर खाना, फूड. As two nuclei participate in this process, it is called a double fertilization. पहला fertilization कहाँ पे हुआ था? जब male gamete ने female gamete से, female egg से combine किया और क्या बनाया? Zygote. उसको क्या बोला? Fertilization. और ये जो तो दो polar nuclei थे, उनसे second male gamete ने fertilization किया और क्या बनाया? Endosperm. और इसको बोलते हैं double fertilization. This is one of the most frequently asked question in your exam, double fertilization. तो इसको skip करने की भूल मत करना. बहुत simple है, flower से start करना है. Flower का structure थोड़ा define अच्छे से करो, फिर ये वाला एक structure draw करो. Pollination बताओ. Pollination बहुत है easy. Anther से pollen grains आएंगी, stigma पे चिपकेंगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी और क्या बनाएगी, फिर वो एक पुल बनाएगी फॉर मेल गैमेट्स. वो ओवरी तक पहुंचेंगे और समय आने पर बर्स्ट हो जाएंगे. मेल गैमेट्स रिलीज हो जाएंगे, एक जाके कंबाइन हो जाएगा हैप्लॉइड एग से, बनेगा जायगोट. और बचे हुए दो, बचा हुआ जो दूसरा मेल गैमेट है, वो कंबाइन करेगा दो पोलार न्यूक्लियाई से और कुछ तो बनेगा, और बनेगा एंडोस्पर्म. Now this is the first one is fertilization, and when these two polar nuclei is getting combined with the male gamete, it is known as double fertilization. And at the end of this presentation, this is the my last slide of today's presentation. और इसमें मैंने लिखा है seed germination. अगर fertilization समझा in plant, अगर flower का structure से समझा, तो seed ये जो germination है बहुत अच्छे से समझ जाएगी. सीड जर्मिनेशन में क्या होता है? बेसिकली अभी आपने फ्लावर में एक स्ट्रक्चर देखा, ओव्यूल. तो ये जो ओव्यूल है वो आगे चलकर क्या बनेगा? सीड. और ये जो ओवरी है ना पूरी, वो बन जाएगी फ्रूट. तो जब ये फ्रूट गिरेगा जमीन पर, फील्ड में, तो सीड बिखर जाएंगे, डोंट यू थिंक? अब ये सीड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो क्या हो जाएगा? जर्मिनेट. और जो जायगोट है वो बढ़ेगा किसकी हेल्प से? जो फूड स्टोर हुआ था. और आगे चलकर एक नया प्लांट मिलेगा. तो सीड जर्मिनेशन भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है फ्लावर के एक कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. That is more, even more complex. So what I suggest, before jumping to that, before starting with that complex process of sexual reproduction in humans, you complete this particular topic very well. Draw the structure, write all these points. Then we will start with the sexual reproduction in animals. Thank you.